जिले में 10 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस अवसर पर विशेष रूप से प्रथम पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर, जिलाधीश प्रभात मलिक, जिला पंचायत सीईओ रक्तिमा यादव विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में रिपा का शिलान्यास हुआ। वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं तथा अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के साथ ही जिला कार्यालय में स्थित महात्मा गांधी के मूर्ति पर राजिम विधायक अमितेश शुक्ला एवं जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 जिलों से सीधा संवाद किया। वहीं बाकी जिलों में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया, तो वहीं विभिन्न जिलों में हो रहे आर्थिक उन्नति के प्रयासों की जानकारी ली, जिसमें महिलाओं ने उनके क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। किसी ने जूट के माध्यम से बोरा निर्माण करने की बात कही, तो किसी ने अचार पापड़ बड़े बनाने की बात की, तो किसी ने फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन तथा अन्य बड़े उपकरण लगाने की मांग की। इन सब के बीच विभिन्न जिला मुख्यालय में हो रहे प्रयासों की जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पूज्य बापू महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर बेहतर किया जाए तो छत्तीसगढ़ की तरक्की बेहद जल्दी होगी। इस अवसर पर प्रथम पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ला ने कहा कि हमारे नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महात्मा गांधी के ग्राम विकास के सपनों को साकार करने में जुटे हुए हैं और काफी सफल भी है। आज रिपा योजना का शिलान्यास किया गया है, हम आभारी हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। देखिए, भूपेश भाई ने उस सोच को, जो महात्मा गांधी की सोच थी आजादी की लड़ाई, उसके बाद भी महात्मा गांधी जी ने जो सोच करी थी कि गांव के स्तर तक जो है हमें जाना पड़ेगा अगर कोई विकास करना है, उसी की सोच के तहत इस रिपा को जो रूरल पार्क जो इन्हें करा है भूपेश भाई ने, मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि महात्मा गांधी की सोच को उन्हें बढ़ाया, स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों की जो भावना थी उसको उन्हें बढ़ाया और आज इसमें सभी जो लोग हैं, सभी तरीके, चाहे वो हमारे युवा साथी हों, चाहे हमारी महिला हों, चाहे हमारे जो भी हों, किसी भी तरह की जो चीज़ें, उसमें बहुत से डिपार्टमेंट, करीब 11 डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व हैं इस रिपा में, और जो भी कार्य करना चाहेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। अभी कुछ करोड़ रुपये तो अभी भी सैंक्शन कर दिया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर ने कहा कि रिपा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। गौठानों में जो विकास हुए हैं यह उनके आगे की कड़ी है। प्रदेश उन्नति और खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है।